नॉर्थ कोरिया, यहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में हेयर स्टाइल रखने के लिए भी कानून बना रखे हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग टोटल 28 तरह के हेयर स्टाइल रख सकते हैं, जिनमें से 18 तो महिलाओं के लिए हैं और बचे हुए 10 पुरुषों के लिए। अगर कोई महिला या पुरुष इन सेलेक्टेड हेयर स्टाइल से अलग हेयर स्टाइल रखता है तो उसे सजा दी जाती है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ भारत में भी होने वाला है। लेकिन ये आपके बालों से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से जुड़ा मामला है। सरकार ने एक ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल पेश किया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप YouTube पर क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं। मतलब ये कि अब सरकार ये तय करेगी कि YouTube पर अब क्या जाने वाला है। तो इससे कुछ सवाल बनते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये बिल क्या है। दूसरा, इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। तीसरा, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या उसको सजा मिलेगी, मिलेगी तो कैसी होगी वो सजा। और आखिरी सवाल ये कि कैसे पता चल पाएगा कि कानून का उल्लंघन कब हुआ और कब नहीं, और ये डिसाइड कौन करेगा। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अगर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल पास हो जाता है तो ये 3 दशक पुराने केवल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 को रिप्लेस कर देगा। 1995 के केबल टेलीविजन एक्ट में बताया गया है कि टीवी पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जो बच्चों की छवि को खराब करता हो। ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभद्र भाषा और हिंसक दृश्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई प्रोग्राम न हो जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करे। प्रस्तावित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में कार्यक्रमों और विज्ञापनों से जुड़ी आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सजा और जुर्माने में जहां 2 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं दोबारा उल्लंघन पर सजा 5 साल की हो सकती है। इसी तरह से पहली बार उल्लंघन होने पर 10,000 तक का जुर्माना और दूसरी बार या एक बार से ज्यादा उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रस्तावित बिल में उल्लंघन होने पर सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी रखा गया है। इस एक्ट के तहत केबल ऑपरेटर को अपने नेटवर्क द्वारा दिखाए गए और दोबारा दिखाए गए कार्यक्रमों का रजिस्टर तैयार करना होता है। इसके लिए उन्हें अपने केबल नेटवर्क द्वारा दिखाए गए कार्यक्रमों का डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड यानी कि EPG और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार लॉग के रूप में कम 1 साल के लिए रखना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें ये डेटा उपलब्ध कराना होता है। ये एक्ट सिर्फ केवल टेलीविजन पर लागू होता है, इसलिए सरकार नए बिल से इस पुराने बिल को बदलना चाह रही है, जिसमें सरकार चाहती है कि वो इंटरनेट को सेंसर करे। इसीलिए सरकार ने 72 पेजेस का एक नया ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेटिंग बिल तैयार किया है, जिसमें हर एक ब्रॉडकास्टर को सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार ने यहाँ ब्रॉडकास्टर उसे बताया है जो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रांसमिट करता है। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो आप भी इस बिल के अंदर आ जाएंगे, और ये बिल उन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर भी लागू होगा जो फ्यूचर में आएंगे। इसीलिए इसके बारे में आजकल काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक्चुअल में इस ब्रॉडकास्ट बिल का यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आज इसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक पत्रकार और एक कंटेंट क्रिएटर में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। देखिए, फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब कंटेंट क्रिएटर में और एक जर्नलिस्ट में अगर एक मोटा मोटा फर्क देखा जाए तो आज के टाइम में वो क्या दिखाई दे रहा है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube पर न्यूज़ और करंट अफेयर्स पर बात करते हैं, जैसे रवीश कुमार, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी आदि आदि। पॉलिटिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इवेंट आदि पर ये लोग बात करते हैं। जो भी करंट मुद्दे होते हैं ये लोग उन पर बात करते हैं, और पत्रकारिता में भी न्यूज़ और करंट अफेयर्स पर बात की जाती है। लेकिन दोनों में एक अंतर आपको दिखाई देगा। मीडिया के अंदर क्या होता है, पत्रकार को जो दिखता है वो वह बता देता है, वो उस पर अपना ओपिनियन नहीं देता। जर्नलिस्ट एक न्यूट्रल आदमी है, वो जो देख रहा है बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। और जब आप यूट्यूब पर किसी न्यूज को देखेंगे तो कंटेंट क्रिएटर क्या करता है कि वो न्यूज और करंट अफेयर भी बताता है, उसके साथ साथ वो अपना ओपिनियन भी देता है, और ऑडियंस भी वहां पर अपना ओपिनियन दे सकती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो कंटेंट क्रिएटर है वो अभी स्वतंत्र है, उस पर गवर्नमेंट का कोई रूल लागू नहीं है।
गवर्नमेंट ने उसको अभी रेगुलेट नहीं किया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट नियंत्रित करती ही है। अब करती है या नहीं करती वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। एक चीज जरूरी है कि न्यूज चैनल्स के लिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अभी जो बिल आ रहा है, इस बिल का निचोड़ ये है कि जो भी बंदा यूट्यूब पर काम कर रहा है, चाहे उसने न्यूज चैनल बना रखा है या अपना कोई ऐसा ओपिनियन वाला चैनल बना रखा है या करंट अफेयर्स पर बात कर रहा है या कॉमेडी कर रहा है जिसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व है या फिर किसी भी तरह का वीडियो बना रहा है जिससे करंट अफेयर्स, न्यूज, सोशियो पॉलिटिकल वगैरह इस सब पे बातें की जा रही हैं, चाहे ऑडियो के माध्यम से हो चाहे विजुअल के माध्यम से हो, तो उसको भी ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इस बिल के तहत जब ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में आ जाएगा तो एक तरीके से गवर्नमेंट कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो क्रिएटर सोशल मीडिया पर स्वतंत्र तरीके से बात करते हैं, करंट मुद्दों पर अपनी ओपिनियन रखते हैं, कुल मिलाकर इस बिल का मुद्दा ये है से जो करंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो सजा क्या मिलेगी? कानून का उल्लंघन होने पर क्रिएटर का चैनल हटाया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक वीडियो हटाया जा सकता है, क्रिएटर पर बैन लगाया जा सकता है या फिर क्रिएटर के इक्विपमेंट्स को जब्त किया जा सकता है। आपके ट्राइपॉड को ले जाएंगे, आपके कैमरे को ले जाएंगे, आपके स्मार्टफोन को ले जाएंगे, लैपटॉप को ले जाएंगे। इसके लिए सरकार एक ऑफिसर ऑथराइज करेगी, फिर वो ऑफिसर आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने आएगा। और इसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इंस्पेक्शन करने से पहले उस ऑफिसर को आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी, और ऑफिसर के मन के हिसाब से अगर उसको लगता है कि आपने कानून का वायलेशन किया है तो वो आपके इक्विपमेंट्स ले जाएगा। इक्विपमेंट ले जाने के 10 दिन में नोटिस नहीं आता है तो आपका सामान वापस कर देंगे, वरना नहीं। इसके लिए सरकार 3 लेयर सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बनाएगी। अगर आप ब्रॉडकास्टर हो तो आपके अपने ऑफिस में आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो लोगों से कंप्लेंट्स लेगा, चाहे आप अफोर्ड कर पाए या नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी को कुछ पसंद आए या ना आए। वो बंदा फिर ऑफिसर को कंप्लेंट करेगा और वहां से कोई जवाब नहीं आता तो फाइनल कमिटी इस पर एक्शन लेगी जो सरकार द्वारा बनाई जाएगी, जिसके हेड को भी सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। और ये कमिटी डिसाइड करेगी कि आपकी कंप्लेंट्स का क्या करना है, आपके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। इससे ये बात तो जाहिर है कि जब फाइनल कमिटी सरकार की ही है तो वो सरकार का पक्ष लेगी ही। इसके अलावा ये कमिटी आपको कुछ टास्क भी दे सकती है, आप सरकार के किसी एजेंडे को प्रमोट करें वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ ही आपको समय समय पर ये भी बताना होगा कि अब आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रह जाता है कि कैसे पता चलेगा कि कब कानून का उल्लंघन हुआ है और कब नहीं। तो इसके बारे में इस बिल में साफ साफ कुछ नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है कि आपकी वीडियोस से देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कब कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस जोड़ सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने मणिपुर वायलेंस को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें तो आप देश की अखंडता के लिए खतरा भी हो गए। इस कानून के चलते सरकार अपने विरोधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने जा रही है। सरकार इंटरनेट को पूरी तरह से सेंसर करना चाहती है और इसकी कमान अपने हाथों में लेना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक और कानून बनाया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंटरनेट पर बैन लगा सकती है। सरकार इस कानून से पहले ही इंटरनेट को ऑलरेडी बहुत बार बैन कर चुकी है। इसके लिए हमारे पास 2022 का एक डेटा है। देखिए, पूरी दुनिया में 2022 में ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज में हम बात करें तो 187 बार इंटरनेट बैन किया गया है, जिसमें से अकेले 58% यानी कि 84 बार तो सिर्फ भारत में ही बैन किया गया है। 84 में से भी 49 बार इंटरनेट बैन जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में इंटरनेट बैन युद्ध झेल रही कंट्री जैसे यूक्रेन, अफगानिस्तान, सीरिया से भी ज्यादा बार बंद किया गया है। इंटरनेट को बैन करने से बहुत सारे कारोबारों को नुकसान उठाना पड़ता है। IFF के अनुसार भारत को इंटरनेट बैन करने की कीमत 2021 में $582 मिलियन, 2022 में $2.8 बिलियन यानी कि 23,000 करोड़ रुपए उठानी पड़ी। इन कानूनों के बाद इंटरनेट की हालत भी इंडियन मीडिया की तरह हो जाएगी। क्रिएटर्स वही बनाएंगे जो सरकार को अच्छा लगेगा, वरना उनके इक्विपमेंट्स जब्त कर लिए जाएंगे।
इन कानूनों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। शुक्रिया।